शुरू करती है तो मैं बंद नहीं होती, वो मेरी टीम को सबको पता है। इसलिए ऑल आई वांट टू नो, कितने लोग नए हैं यहाँ पे जिन्होंने हमें पहले कभी नहीं देखा है, बताओ। ओ वाओ, ओके, सो आई गेस देन वी विल हैव टू टेल यू आवर स्टोरी एंड द हिस्ट्री एंड ऑल दैट, नो प्रॉब्लम, वी विल टेल यू दैट, जस्ट बी रेडी टू लिसन, यू सी यू विल हैव फन विद इट, ऑलराइट। आई विल पास इट ऑन टू नरेश, he'll go over his story, then I'll go over my story, and then we'll try to help you or learn what does it really take to build the MBA business, not only to silver and platinum level, but also to the diamond level. But believe me, diamond level is worth it. You have to believe that, and I'm sure Naresh will make you understand that. So hold on, here is Naresh. Good. So, are you excited? Yes. So, how many of you are going diamond now? Yes. Very great. And you know that this Assam state is such a big area that you can become all of diamond. Where you can become thousands of diamond. In the U.S. there are such towns, small towns, where you can become 10 diamond, 15 diamond, 20 diamond. So, you can become thousands of diamond from here. Good, but you have to work hard, right? Okay, so what I will do is, I want to give you our background. That हमने कैसे शुरू किया, क्या हुआ? तो हमारी background तो बता दी है, you know, B.Tech की, Masters की और MBA की. और तो क्या था कि we were very nicely settled. We were making lot of income. कारें थी, घर था, सब कुछ था. And everything, पर मन में शांति नहीं थी. तो क्या था कि जब I was top executive, you know, engineering director, marketing, sales, and तो क्या था कि सुबह, you know, get up at 6 o'clock in the morning and go to the office. एक meeting हो रही है, दूसरी meeting हो रही है, तीसरी meeting हो रही है, और शाम को 7 बजे घर आते थे. And घर आने के बाद खाना खाने का सो जाते थे. So, ऐसे लाइफ चल रही थी, मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे, एंड सैटरडे संडे की छुट्टी होती थी, वो सोने में पास करते थे या ऑफिस का काम करते थे, क्योंकि ये मीटिंग हो रही है और यू नो जो सीईओ जो है कॉरपोरेट का, उसको रिपोर्ट करना है, डिस्कस करना है, तो मन में यही तलखी रहती थी हमेशा. तो वी आर मेकिंग लॉट ऑफ इनकम, यू नो वी हैड द कार्स एंड एवरीथिंग, यू नो हमारी इनकम आई थिंक आप जो डबल डायमंड ट्रिपल डायमंड बोल रहे हैं उससे भी ज्यादा थी. तो फिर क्या हुआ कि हम सोचते थे कि हम किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, अपना बिजनेस को ना शुरू किया जाए, कि कंपनी को हम इतना प्रॉफिट ला रहे हैं, यदि अपना बिजनेस शुरू करेंगे तो अच्छा होगा. तो फिर क्या किया कि वी वर सो अग्रेसिव, सो हार्ड वर्कर, तो हमने एक बिजनेस बाय कर लिया कि इसको पार्ट टाइम रन करेंगे. तकरीबन 25-30 करोड़ उसकी इन्वेस्टमेंट की. तो क्या हुआ कि पहले सैटरडे संडे को थोड़ा सा टाइम मिल जाता था रेस्ट करने के लिए, वो भी खत्म हो गया. सैटरडे नाइट, संडे नाइट, एंड इवन इन द इवनिंग अकाउंटिंग का फिगर करो, मार्केटिंग का फिगर करो, एम्प्लॉइज को पे करना है. और क्या होता था कि जो एम्प्लॉइज थे वो सारे का सारा कैश ले जाते थे, कैश का मालूम भी कहाँ जा रहा है. तो बिजनेस लूज होना शुरू हो गया. तो बच्चों के लिए छोटे छोटे बच्चे थे और उनके साथ टाइम स्पेंड करने के कोई टाइम नहीं था. हम तो सोचते थे बिजनेस खड़ा करेंगे, कोई टाइम नहीं था. तो फिर हमने क्या किया, उस बिजनेस को सेल कर दिया. तो उसके बाद क्या हुआ कि देन आई मूव्ड इन द कॉर्पोरेट ऑफिस, शिकागो में था. तो क्योंकि जब एक बार बिजनेस मन में पड़ जाता है तो नौकरी करनी मुश्किल हो जाती है. एक नौकरी जो होती है, चाहे आप कुछ भी हो, इस नौकरी राइट, कंपनी के सीईओ हो और कंपनी के चेयरमैन हो, इट्स जस्ट ए नौकरी. तो एक चीज मुझे लगी कि मैं उस टाइम आई वाज डायरेक्टर इन ए कंपनी, तो हमारा जो सीईओ था वो कंपनी का प्लेन लेकर कस्टमर को मिलने गया. तो उसका प्लेन जब शिकागो पहुंचा
उसको मैसेज आ गया कि इज फायर्ड, राइट। ये ना छोटी सी बात नहीं है, इतनी अच्छी पोजीशन हो और इतनी अच्छी इनकम हो और एकदम नौकरी छूट जाए, यू नो इतना एक्सपेंसिव होते हैं तो यू नो कितना मुश्किल होता है। सो दैट रियली हिट मी हार्ड कि आई एम नॉट गोइंग टू लेट एनीबॉडी गाइड माय डेस्टिनी, आई एम गोइंग टू गाइड माय ओन डेस्टिनी। सो आई टेल ऑल ऑफ यू, यू शुड गाइड योर ओन डेस्टिनी, डोंट लेट एनीबॉडी गाइड योर डेस्टिनी। तो जब शिकागो मूव कर गए तो फिर भी यू नो वी आर लुकिंग फॉर अ बिजनेस, तो नीलम के ऑफिस में देयर वाज अ कंसल्टेंट, तो उसने बोला कि यू नो देयर इज अ बिजनेस जो कि हम इंडिया ले जा रहे हैं, तो वुड यू बी इंटरेस्टेड। तो शी गॉट वेरी इंटरेस्टेड, तो बिजनेस तो हम पहले ढूंढ रहे थे, तो उसको पूछा कि इसमें वो बाद में बात आती है। तो वो क्या था कि वो बिजनेस ले जा रहे हैं, तो मैं नीलम को पूछा तो उनकी बैकग्राउंड क्या है, क्या करते हैं। उसमें से एक था मोटोरोला में मार्केटिंग डायरेक्टर, तो एंड दे वांटेड टू मीट अस। तो मैंने सोचा कि जो फोन ही बात होगी कि क्या हो सकता है कि यदि कोई बिजनेस इंडिया जा रहा है, क्योंकि आई शुड नो इट क्योंकि आई एम कनेक्टेड विद द बिजनेस कम्युनिटी, तो उसकी न्यूज़ वॉल स्ट्रीट जर्नल में आ जाएगी, न्यूयॉर्क टाइम्स में आ जाएगी, तो सुना नहीं है उनकी बैकग्राउंड क्या है। तो पर वो ये चिंता कर रहे थे कि हम फॉर मीटिंग, देखिए मीटिंग से पहले मालूम तो होना चाहिए क्या क्या बिजनेस क्या है। तो उन्होंने एक महीना ट्राई किया, दो महीने ट्राई किया, नीलम मुझे बताए कि अपॉइंटमेंट देनी चाहिए, तो मैं अवॉइड कर रहा था, कोई मुझे मैं यकीन नहीं आ रहा था कि बिजनेस होगा। तो फिर क्या हुआ कि एक बार उनसे अपॉइंटमेंट सेट कर ली, तो मैं इंटेंशनली ऑफिस में लेट आया क्योंकि आई डोंट वांट टू मीट दोस पीपल, क्योंकि माय ईगो वाज वेरी हाई कि यू नो ये इट्स गोइंग टू बी समथिंग फनी। तो देन आई केम होम एंड शी वाज वेरी एंग्री, तो आई वाज 30 मिनट्स लेट और स्नो पड़ रही थी, मैं कहा लेट्स गो। तो रेस्टोरेंट में गए, देयर वर टू जेंटलमैन, देयर वर यू नो आई लुक्ड एट देम, रेस्टोरेंट वेरी नाइसली सूट एंड टाई, बोथ अमेरिकन एंड बोथ एमबीए, एक मोटोरोला में डायरेक्टर था। तो देन मैंने सोचा ये बिजनेस क्या है, इसमें कोई ब्रीफकेस नहीं है, कुछ नहीं है, एंड यू नो ये क्या बिजनेस करेंगे, हैं ये तो ठगी का बिजनेस लगता है। और उसके बाद टेबल के अर्द इर्द गिर्द बैठ गए, तो उन्होंने एक पेपर निकाला, उसमें सर्कल लगाए हुए थे, तो जब सर्कल देखे मैंने कहा इज इट एम्बे, वो घबरा गए, मैं इतनी जोर से बोला वो घबरा गए, एंड दे डोंट नो व्हाट टू से। तो उसके बाद फिर क्या हुआ था कि जब मैं यूएसए गया था तो मेरा एक फ्रेंड ने एमबीए ज्वाइन किया था, हम सिंगल थे, मैरिज शादी नहीं हुई थी अभी, तो हम 5-10 फ्रेंड इकट्ठे होकर उसको मिलने गए कैंसर सिटी, तो उसका हौसला नहीं पड़ता था बिजनेस के बारे में बात करने का। तो जब 10 बज गए, सोने का टाइम आया, तो उसको अब कैसे करें, किसी बात तो करनी है, तो ही लुक्ड एट मी कि ही लुक्स वेरी एम्बिशियस, कैसे बात करते हैं। तो मुझे बोला कि एक बिजनेस है, करोगे, मैं कहा किया करेंगे, तो मैं कहा उसमें इन्वेस्टमेंट कितनी है, $25 निकाल के उसे दे दिए। तो उसने हमको बिजनेस में साइन कर दिया, पर बताया कुछ नहीं बिजनेस के बारे में। वो किट जो होती थी घर में आ गई, तो किट हम तकरीबन 7 साल के बाद देखी, किट भी क्या है ये किट, में उसमें एसिड जो था पत्थर की तरह बन गया था, तो उसमें से एक पेपर निकला था जिसमें सर्कल थे, तो वही और वही याद था कि ये सर्कल है, ये एमबे है, एमबे के बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम था। अच्छा उसमें से क्या हुआ, उसमें एक अच्छा सा ब्रीफ केस था एमबे, मैं कह भाई मैं ऑफिस में ले जाऊंगा, यू नो पेपर डालकर, तो ऑफिस में ले गया। तो फिर क्या हुआ कि हमारा एक कुलीग था डायरेक्टर, वो मेरे पास था डायरेक्टर ऑफ मैनुफैक्चरिंग, कहता आर यू मेंबर ऑफ एमबे, आई सपोर्ट इज एमबे, कहता ब्रीफ केस जो है
कहता मुझे भी एमए का मालूम नहीं है, शॉप फ्लोर में कोई वर्कर्स एमए कर रहे हैं तो इसलिए यू शुड डू इट, तो इससे मेरा इंप्रेशन खराब हो गया था और एमए के बारे में कुछ नहीं मालूम था। तो उसके बाद जब वो उन्होंने प्लान दिखाई तो मैंने कुछ नहीं सुना, कुछ समझ नहीं आया। तो जब रास्ते में आ रहे थे तो यार नीलम के कुछ सोचा, क्या बोला उन्होंने, कहती एक चीज सोची है कि इस बिजनेस में मनी भी है और टाइम पीरियड भी है। तो एक सेंटेंस जो था वो इसके मन में पड़ गया, वो निकल नहीं रहा था। क्योंकि ये है कि जब आप किसी से बातें करते हो यू नीड टू अटैक पीपल्स हार्ट, जब दिल के ऊपर असर होता है तो फिर बिजनेस होता है, अदरवाइज समझ नहीं आता। तो उसके बाद फिर हमने शुरू कर दिया, मुझे फिर भी समझ नहीं आ रहा था वो कैसे भाई सीडी भी चाहिए, बी की बुक भी आ रही है, मैं कह इसमें सीडी भी देख सुननी पड़ेंगी और बुक्स भी पढ़नी पड़ेंगी, इतनी बुक्स पढ़ी हैं इतनी सीडी सुनी है तो क्या होगा, बुक्स आ रही हैं तो पाइल अप हो रही हैं, कुछ सुनता नहीं है। और उसके जो बुक्स आती थी उसके टाइटल से बड़े अच्छे लगते थे, मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग है, बड़ी अच्छी चीज़ है ये। तो फिर उसका असर होना शुरू हो गया। तो उसके बाद फिर वो बोला कि अरे होम मीटिंग में आओ, अरे होम मीटिंग, अब मीटिंग भी जाना पड़ेगा, हमारे पास तो टाइम नहीं है, मीटिंग में कैसे जाएंगे। तो एक महीना हुआ, दो महीने हुआ, तीन महीने के बाद होम मीटिंग में चले गए। मैं कहा देखते हैं होम मीटिंग में क्या है। जब होम मीटिंग में गए दैट इम्प्रेस मी द मोस्ट, तो मैं देखा एवरी बडी वाज ड्रेस्ड एज स्टूडेंट आई, तो मेरी दाई था जो बैठा था उसको मैंने पूछा आप क्या करते हो, क्या नाम है, लॉयर। मैं कहा लॉयर भी एमबीए करते हैं। दूसरे पूछा आई एम डॉक्टर, मैं कहा डॉक्टर भी बिजनेस करते हैं एमबीए का। तो दिल के ऊपर रिएक्शन होना शुरू हो गया। तो उसके बाद फिर हमने एक बीबीएस अटेंड किया, तो बीबीएस में एक स्पीकर जो था डायमंड, ही वाज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ बोइंग कंपनी, बोइंग कंपनी सुनी है जो हवाई जहाज बनाती है। तो उसने प्लान दिखाई, उसने बोला उसकी पीएचडी थी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, कि मैंने जब बिजनेस शुरू किया और चार साल में मैं अपनी जॉब छोड़ दी। तो मैंने सोचा इसने पीएचडी की हुई, मैंने तो एमएस की हुई है, एमबीए की हुई है और जॉब छोड़ दी, तो हम तो जॉब सारी उम्र नहीं छोड़ सकते, ये कैसे हो सकता है इसने जॉब छोड़ दी, राइट। तो फिर रिएक्शन होना शुरू हो गया। तो उसके बाद हमारी बैकग्राउंड काफ़ी अच्छी थी, तो लोगों से बातें की, लोगों ने ज्वाइन करना शुरू कर दिया, हमने शॉपिंग करनी शुरू कर दी और घर में चेक आ गया बहुत इंटरेस्टेड। तो क्या हुआ कि एक महीने पहले महीने लोगों ने शॉपिंग की, दूसरे महीने पीवी जीरो हो गए, राइट, होता है ना ऐसे। तो मुझे बड़ा आवाज एंग्री, ये क्या हुआ, ये कैसे हो सकता है, लोगों को समझ क्यों नहीं आता। तो आवाज सो एंग्री, तो दिसंबर का महीना था, इसमें बहुत स्नो पड़ी हुई थी, तकरीबन 300 किलोमीटर ड्राइव करके हमारा जो एमरल था उसके घर में गया। आई वांट टू फाइंड आउट भाई इतना अच्छा बिजनेस है इसे कामयाबी क्यों नहीं आ रही, राइट। तो उसने मुझे दो तीन क्वेश्चन पूछे, कौन सी सीडी सुनी है, ही वॉज वेरी डायरेक्ट, भाई कौन सी सीडी सुनी है। मैं कहा सीडी आ तो रही है पर सुनी कोई नहीं है। कहता दैट्स योर मिस्टेक नंबर वन। अच्छा कौन सी बुक पढ़ी है। मैं कहा बुक तो बहुत पढ़ी है पर नहीं, वो जो जो मंथली बुक आती है, मैं कहा बुक तो तकरीबन बहुत ऊंची इतना ढेर लग गया है, पढ़ी कोई नहीं है। ही सेड दैट्स योर मिस्टेक नंबर टू। वो दो बातें करके देन ही वेंट अवे। पर उससे मेरे मन में ये असर पड़ गया कि ये है पीपल बिजनेस, यदि यू हैव टू हेल्प द पीपल ग्रो, इफ यू डोंट रीड द बुक्स इन द सीडीज यू नॉट गोइंग टू बिल्ड द बिजनेस, क्योंकि आपका ड्रीम बिल्ड नहीं होगा। तो उसके बाद हम दिनों करते हैं, नीलम प्लान दिखाती थी, जिनों आज किसी वकील को प्लान दिखा रहे हैं और किसी डॉक्टर को प्लान दिखा रहे हैं, सो आई वाज लुकिंग अराउंड ये क्या हो रहा है, ये क्या होगा है? तो करते करते फिर हमने शुरू कर दिया। तो फिर हम जो सिल्वर बन गए, प्लैटिनम बन गए, बड़ी जल्दी से बन गए थे।
क्योंकि हम जिस एरिया में रहते हैं ना वो एरिया बड़ा जबरदस्त है लोगों को, इट्स वेरी टॉप क्लास एरिया इन द शिकागो एरिया। एंड हमारा घर जो है जो नो 3 एकड़ लाट है और जो नो 15-20 कमरे हैं, 6 बाथरूम हैं, जो नो सभी घर हमारे घर आना चाहते थे। तो उसके बाद फिर जब इंडिया लॉन्च हुआ बिजनेस तो फिर आई गॉट ए पैशन कि आई बीन अवे फ्रॉम इंडिया फॉर सो लॉन्ग एंड ये बिजनेस इंडिया जा रहा है और एंड आई डोंट वॉन्ट मिस इट, चाहे कुछ हो जाए आई एम गोइंग टू बिल्ड द बिजनेस। क्योंकि पहले सोचते थे कि इंडिया जाएंगे यू नो फुल टाइम जॉब कर रहे हैं तो 4 हफ्ते की छुट्टी मिलती है, कितना एक्सपेंसिव होगा और कैसे जाएंगे और छुट्टी नहीं मिलेगी, तो ऐसे दिमाग में बहुत कुछ आ रहा था क्योंकि देखो यू नो दिस वेरी एक्सपेंसिव। तो जब ये मालूम हुआ कि इंडिया बिजनेस जा रहा है तो वो सभी चीज़ें भूल गई, राइट। पर्पस मेरा आपको कहने का ये है कि यदि आपका ड्रीम बहुत स्ट्रांग है सभी चीज़ें भूल जाती हैं, राइट। तो इसलिए आपका ड्रीम बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो फिर हमने इंडिया बिजनेस शुरू कर दिया, सिस्टम डिफरेंट था उस टाइम, कोई सेल फोन नहीं होते थे एंड सारी कम्युनिकेशन हम फैक्स मशीन के थ्रू किया करते थे और साल में 6 बार आते थे। तो मैं क्या करता था कि हमारे ऑफिस में किसी को नहीं मालूम था कि एम बी का बिजनेस कर रहे हैं इंडिया में, क्योंकि आई वॉन्ट टू प्रोटेक्ट माई इंटेग्रिटी टू। तो 5 बजे ऑफिस से फ्राइडे को ख़त्म करके आई वुड गो टू एयरपोर्ट, टेक द प्लेन एंड कम टू इंडिया एंड यहाँ आकर 3 हफ्ते काम करना, 18 आवर्स अ डे काम करके वी डिड दैट और हम प्लैटिनम बन गए थे यू नो राइट इन द बिगनिंग। और 10-11 लोगों में मिले थे वहाँ दिल्ली में, तो उनसे आगे से आगे बिजनेस फैल गया। बात यह है कि अब देखो कि हमने डायमंड शिप बिल्ड की है, हमारी लाइफ कितनी मुश्किल थी, जस्ट वी हैड द मनी, क्योंकि मनी इज़ नॉट द ओनली थिंग द लाइफ, द थिंग इज़ के डिपेंड करता है कि आपके मनी कैसे आ रही है, राइट। तो कोई वेकेशन का मज़ा नहीं आता था क्योंकि लोग छुट्टी लेते हैं, वेकेशन पर जाते हैं 2 हफ्ते के लिए, एक हफ्ते के लिए, 2 दिन प्लान करते हैं उसको वेकेशन पर जाना है, जब जाते हो 1-2 दिन जो एंजॉय करते हो उसके बाद फिक्र हो जाता है कि वापस आना जॉब पर, राइट। वेकेशन का मतलब ये होता है कि जाने का प्रोग्राम डेट फिक्स कर लो, वापस डेट तब फिक्स करो जब वापस आने को दिल चाहता है, राइट। वेकेशन का वो मज़ा होगा ना, राइट। तो और यहाँ फिर क्या हुआ कि जब हम यहाँ पर आए तो हम कार रेंट किया करते थे, तो मन में इतना डिटर्मिनेशन स्ट्रांग था कि इस बिजनेस को कामयाब करना है चाहे कुछ हो जाए, तो कार रेंट किया करते थे, तो क्योंकि वी कुड अफोर्ड इट, तो हमारे डाउनलाइन ने कहना शुरू कर दिया कि हमें भी कार चाहिए, उस टाइम कारें कम होती थी। तो फिर हमने क्या है, ये तो बड़ी गलत बात है क्योंकि यू नो वी वर डुप्लीकेटिंग द रॉन्ग वे, तो हमने बसेस में ट्रैवल करना शुरू कर दिया, राइट। तो और जहाँ भी लीड मिली हम गए। एक मैं कहानी आपको बताता हूँ कि हम इंडिया आए तो पंजाब में गया मैं, तो जून का महीना था, एक संबड़ी केम टू पिक मी अप फ्रॉम द ट्रेन स्टेशन गुरुती कार में, उसकी कार में एयर कंडीशन भी नहीं था और जून के महीने में कितनी गर्मी होती है, राइट। तो पानी पीने को भी नहीं था उसकी कार में, उसकी कार में बैठकर हम बिजनेस प्लान दिखाने गए, मैं कह पानी तो बॉटल तो ले लें कहीं से, वो ही चाहिए, अब ही इज अ फाउंडर प्लैटिनम, राइट। तो देखो आजकल मतलब लाइफ इतनी अच्छी है कि कोई फिक्र नहीं है, कोविड के टाइम जनाब कितना ही मुश्किल हुई थी और हमारे में इनकम कम नहीं हुई, 4 साल हम नहीं आ सके, इनकम बड़ी है एंड हमारे ऊपर कोई लोन नहीं है, देयर इज नो लोन,
और कारें हैं, सब कुछ है। और जब कहीं वेकेशन में चार पांच बार जाते हैं और ऐसे करते हैं जो डिसाइड करते हैं, चलो नेक्स्ट वीक वी आर गोइंग टू इंग्लैंड, ओके नेक्स्ट वीक वी आर गोइंग लंदन कनाडा। और पिछले छः साल में तकरीबन हमने चार पांच वीक कनाडा में गए, वैंकूवर गए, फिर कैलगरी गए, और उसके बाद मन में आ गया कि अब यू नो यूरोप की सैर की जाए। तो फिर उसके बाद स्पेन चले गए, पुर्तगाल चले गए, राइट। तो और अब हमारा साल का प्लान पहले ही बन जाता है कई बार। और जैसे कि मई के महीने में हम जा रहे हैं क्रूज़ पर, रिवर क्रूज होता है, रिवर क्रूज होता है, जैसे कि जो रेगुलर क्रूज होता है ना, जिसमें शिप में बैठते हो तो जो सीधा बार ओनली, ये रिवर क्रूज होता है जो रिवर में जाता है, वी गो टू जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, राइट। और सितंबर में हम जा रहे हैं साउथ अमेरिकन कंट्रीज, चिली एंड मैक्सिको एंड अर्जेंटीना। तो बात यह है कि ये जो चीज़ें मिली हैं, यदि हम जॉब करते रहते तो नहीं मिल सकती थी, राइट। और यू नो वी हैव नो लोन, एंड अब इंडिया आए हैं तो एक महीना रहेंगे। और इंडिया में क्या है कि हम देखो, हम एक जब इंडिया में एक महीने के लिए आए हैं तो हमारा जो वर्क शेड्यूल होता है तकरीबन 18 घंटे 18 घंटे रोज काम करते हैं हम, राइट। तो इस बात ये कहने का है कि आपका ड्रीम बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। ड्रीम जितना आपका ड्रीम स्ट्रांग होगा उतना ही बिजनेस आपका आगे जाएगा। यदि जैसे कि हमारा ड्रीम स्ट्रांग हुआ था कि इंडिया में बिजनेस कामयाब करना है, हमने 7-8 लाख यहीं की डेवलप की हैं, यूएसए से कोई लेकर नहीं आए, और यहाँ की डेवलप की हैं, और सारे यूएसए में इंडिया में हमारा बिजनेस है। तो अब देखो इसकी इसमें अपॉर्चुनिटी कितनी है। देखो कितने लोगों को पैसे चाहिए, यू नो मनी मेक्स द मेयर गो, राइट। एंड लोगों के ऊपर कोई 20,000 कमाता है, कोई 30,000 कमाता है, कोई 60,000 कमाता है, कोई लाख कमाता है। लोगों के ऊपर ईएमआई है, लोन चढ़े हुए हैं, कार खरीदते हो वो भी ईएमआई पर खरीदते हो, और फिर बच्चों की पढ़ाइयों के खर्चे कितने होते हैं, राइट। तो हमारे बच्चों की जो हमारी फीस थी वो एमबे बिजनेस से निकली थी, राइट। तो हमारा बिजनेस इंग्लैंड में है, ऑस्ट्रेलिया में है, एंड कनाडा में है, यूएसए में है, यहाँ पर है। तो और इतनी यदि आपके ऊपर कोई लोन ना होगा, कितनी अच्छी नींद आती है, राइट। जो स्लीप रियली गुड, और हेल्थ कितनी अच्छी होती है। पर सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो आपके जो ड्रीम हैं, जो भी छोटा ड्रीम है, किसी का ड्रीम ये होगा कि मुझे 20,000 इनकम आ जाए, 15,000 इनकम आ जाए, 30,000 इनकम आ जाए, उसको राइट ऑन ए पीस ऑफ पेपर। जब तक आप पेपर के ऊपर नहीं लिखोगे तब तक कुछ नहीं होगा, क्योंकि जब पेपर के ऊपर लिखोगे तो उससे क्या होगा कि जो वाइब्रेशन जो है वो अपनी जो फ्लोइंग थ्रू जो बॉडी, दिल के ऊपर बॉडी से निकलती है, सो देन योर बॉडी इज रेडी टू वर्क। क्योंकि काम करना पड़ेगा, काम के बिना कुछ नहीं चलता। सिर्फ 4-5 साल काम करने की ज़रूरत है, मेहनत करके और फोकस करके इसको आगे ले जाने की। एंड सो रिवार्ड बहुत ज़्यादा हैं। हम कितने कंट्रीज घूम रहे हैं, अब सोचना पड़ता है भी कौन सा कंट्री देखना है। एंड आई थिंक आई एम गोइंग टू गिव टू नीलम टू, एंड शी इज गोइंग टू गेट टू यू नो लॉट मोर थिंग्स। एंड हियर वी आर। तो रिवार्ड्स बहुत ज़्यादा हैं। देखो ये जिंदगी जो है, जो छोटी सी जिंदगी है, क्यों नहीं मेहनत करके इसको कामयाब कर सकूं। देखो इस बिजनेस में कोई फर्क नहीं पड़ता आप कहाँ रहते हो, आप देखने में कैसे हो, आपकी एजुकेशन लेवल क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन चीज़ है कि आपका ड्रीम कितना स्ट्रांग है इसको कामयाब करने के लिए। और यदि ड्रीम स्ट्रांग होगा तो रास्ते में कोई अड़चन नहीं आ सकती, राइट। गुड, आई एम गोइंग टू गिव इट टू नीलम। ओके, एक स्टोरी आपको और बताता हूँ। हमने
नेपाल बिहार में बिजनेस बिल्ड किया, तो दो तीन लोग जानते थे, उनसे शुरू किया, फिर आगे बढ़ गया। तो जो तीन चार लोग जो जानते थे तो उनको मिलने मैं गया, वो रक्सौल में रहते थे। रक्सौल जो है वो इंडिया और नेपाल के बॉर्डर पर है। तो मैंने फिगर आउट कर लिया था कि वहाँ पर एक फोर स्टार होटल है, रक्सौल में तो कोई नहीं है, पर बॉर्डर क्रॉस करके होटल है, तो हम वहाँ जनाब स्टे देयर। तो वहाँ कार रेंट की, पटना से कार रेंट करके, तो हम पहुँचे रक्सौल। जब रक्सौल पहुँचे, दस बज चुके थे, 10 o'clock, तो 9 बजे के बाद बॉर्डर बंद हो जाता है। वो बोलने के तो बॉर्डर बंद हो गया, नेपाल नहीं जा सकते, राइट। तो मैंने सोचा भी अब सोना कहाँ है, मैं कार में सोएंगे या क्या करेंगे। तो नहीं, वो ने बोला कि एक होटल है जहाँ पर, वहाँ ठहर सकते हो। तो मैंने कहा उसका किराया कितना है, कहता 50 rupees ए डे। सो समझ सकते हो 50 rupees दिन का कैसा कमरा हो सकता है, राइट। तो मैंने ये सोचा कि अब रात तो स्पेंड करनी, पर देखे 50 rupees का कमरा कैसा है। तो उस कमरे में गए तो डर्टी क्लोज एंड डर्टी बाथरूम, यू नो, और मच्छर जो था इतना था कि यू कुड हियर फ्रॉम अ डिस्टेंस, मच्छर गूंज रहा था। तो मैंने सोचा जी, तो जिंदगी का मुकाबला, अब तो मुकाबला करना पड़ेगा, यदि कामयाबी प्राप्त हुई होगी, यदि मच्छर से टकरा होगा, मच्छर से मुकाबला करना पड़ेगा। तो हमारे पास पानी पीने के लिए भी कोई नहीं था, क्योंकि रेगुलर पानी हम पीते नहीं, कभी आदमी होता। तो फिर क्या हुआ कि मैंने सोचा कि एक ब्लैंकेट पड़ा हुआ है, तो ऐसे करते हैं कि लेट जाएं और ब्लैंकेट को ऊपर डालकर लेट जाएं और टाइट कर रहे हैं ताकि मच्छर अंदर ना आ सके। तो आई वाज स्टिल हियरिंग मच्छर की आवाज़ें, अभी सुन रहा था। और फिर 3-4 घंटे के बाद फिर मैं उठा, तो शेव करनी थी, पानी पीना तो नहीं था, शेव करने के लिए डर्टी सा बाहर निकला वहाँ से। तो 3-4 बजे बाहर उठकर फिर बाहर बैठ गया। तो आई स्टार्ट रीडिंग मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग बुक, राइट। वो वन में जो तरक्की थी सारी खत्म हो गई, राइट। तो बात यह है कि जब कुछ ही जिंदगी में कामयाबी करने के लिए मुश्किलों से निकलना पड़ता है, राइट। और मुश्किलों से निकल कर जब कामयाबी आती है तो उसका मज़ा ज़्यादा आता है। और यदि आप लाखों में इनकम बनाना चाहते हो, जैसे इन्होंने बताया, लाखों में करोड़ों में इनकम बनाना चाहते हो, वो आसान चीज़ तो नहीं है, पर सभी लोग कर सकते हैं। पर मुश्किलें आएंगी, और जितनी मुश्किलें आएंगी उतना ही आपका बिजनेस बढ़ेगा, उतनी आपकी डाउनलाइन स्ट्रांग होगी। तो दैट्स इंटरेस्टिंग स्टोरी एंड आई विल नेवर फॉरगेट दैट। अच्छा, दूसरा, वहाँ जब खाना खाने गए, बड़ा बैकवर्ड टाउन था वो, खाना खाने गए तो कोई रेस्टोरेंट जो थे वो मक्खियों से भरे हुए रहे। वो दही की प्लेट होती है, उसके ऊपर मक्खी बैठी हुई थी, और एक वो फैन था, हाथ से उड़ा रहा था वो, और दांत की ओर बैठी हुई थी। तो मैंने सोचा यदि खा लिया तो फिर कल तो बीमार हो जाओगे। तो फिर मैंने कहा कि जो चपाती होती है भाई, चपाती जब तवे से निकलती है एकदम खा लेंगे तो मक्खी तो नहीं उसके ऊपर बैठेगी। तो एकदम निकलते हैं, उसको बोला कि जो चपाती निकली एकदम मुझे दे दो। तो मैंने 2 चपाती खा ली और सर्दन काम किया, राइट। तो ये स्टोरी है। तो ऐसे, अच्छा एक और स्टोरी बता रहा हूँ। एक बार हमने दिल्ली से पटियाले जाना था बिजनेस के लिए, तो क्या हुआ कि जो टैक्सी की बोली थी, टैक्सी वाला आया ही नहीं। तो मेरी अपॉइंटमेंट सेट हुई थी पटियाला में, तो हमने ये डिटर्मिनेशन लिया कि अपॉइंटमेंट मिस नहीं करनी है। तो मैंने जो हमारे साथ लीडर था उसको बोला कि बस जाती है यहाँ कोई, यहाँ कहते बस जाती है, वहाँ से नज़दीकी बस है। मेरे पास 2-3 bags थे, बस के स्टैंड पर चला गया। तो कंडक्टर बोला कि ये बैग अंदर ले जाए, नहीं नहीं ऊपर रखने पड़ेंगे। वो बोला कि कैसे रखेंगे, मैं को रख सकता है, नहीं आपको रखने पड़ेंगे। तो बस के ऊपर जाकर के मैं वो बैग रखे। तो USA से काफ़ी मटेरियल लेकर आए थे, जो कैटलॉग एंड जो बुक्स वगैरह,
तो फिर क्या हुआ, जब बस पटियाले पहुंच गई, उससे वो सभी चीजें ऊपर जाकर उतारनी पड़नी थी, राइट। उतारने के लिए मैं बस के ऊपर चढ़ गया तो नीचे आना बड़ा मुश्किल था। तो मैंने क्या है, सभी के सभी फ्लोर पर फेंक दिए, ऊपर से नीचे फेंक दिए और फिर नीचे आकर सभी कलेक्ट कर लिया, राइट। तो यू नो, आप इतनी अच्छी लग्जरी लाइफ से आ रहे हो, तो ऐसी चीज देखनी पड़े तो लोग घबरा जाते हैं, पर यदि आपका डिटर्मिनेशन स्ट्रॉन्ग होगा तो घबराहट नहीं आती, राइट, बिल्कुल घबराहट नहीं आती। तो ऐसी स्टोरीज काफी हैं, तो वो मक्खियों की बात जो मैं कभी नहीं भूल सकता, क्रिएटिव की ये यूज की भी जब वो चपाती तवे का बनती है ना, एकदम आपके हाथ में आ जाए, तो कम से कम मक्खी तो नहीं आएगी, राइट। ओके, आगे तो नीरू।